एवरीवन क्या हाल चाल बेटा कैसे हैं आप सब आई होप सब बहुत अच्छे हो और अच्छे से पढ़ाई भी करे हो गे. तो बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस जिसमें लास्ट के लेक्चर्स में हमने क्या किया है वहां हमने किया है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है देन वायरल हमने की फंगल की बाय द प्रोटोजोन जिसमें मेन जो हमने किया दैट वॉज द मलेरिया इज बाय द प्लाज्मोडियम इतना हम कर चुके हैं बेटा साथ में फंगल इन्फेक्शन भी किया फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए एक दो और उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया तो आ, सबसे पहले हम होमवर्क डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ ठीक है तो चलिए पहले देखते हैं अपना होमवर्क तो बेटा होमवर्क का जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वॉज करेक्ट पे रिप्रेजेंटिंग दॉजिटिव एजेंट फॉर द टाइफॉइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड इसमें तो आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है ना तो क्या पॉजिटिव एजेंट क्या होता है टाइफॉइड का इट इज सेलमोनेला टाइफी ठीक है जी फिर इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा करते हैं हम कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है बेटा विडाल टेस्ट तो आपको ये याद रखना है तो चलो ऑप्शन देखते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही इसके अंदर करेक्ट है मीन द एजेंट इज सेलमोनेला टाइफी एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट इज द विडाल टेस्ट आई होप क्लियर है सबको नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लिस्ट वन लिस्ट टू आपको क्या करना है जस्ट मैचिंग करनी है और ये जो क्वेश्चन हैं आपके ये सब क्या है पी वाई क्यूज है ये आप ध्यान रखेंगे ठीक है सो फिलयरिस फिलैरिस मीन एलिफेंटियासिस इट इज कॉज बाय द व्यूक्रेरिया और उसकी दो टाइप मैंने आपको बताई थी एक थी बैनक्रॉफ्टी दूसरी थी मलाई तो इसमें कौन सी थी हमें व्यूक्रेरिया बैनक्रॉफ्टी तो ए का होना चाहिए थ्री किस में है देखो बेटा ए का थ्री और किसी में नहीं है तो आंसर तो आपका फोर ही होने वाला है फिर भी हम आगे देखेंगे देन एमईबीएसिस एमबीएसिस इज कॉज बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका मीन्स बी का हो जाएगा आपका फोर एंड न्यूमोनिया न्यूमोनिया इज कॉज बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसके अलावा मैंने एक और बताया था आपको दैट इज इजोस न्यूमोनी वो भी हम याद रखेंगे ठीक है देन रिंगवर्म रिंगवर्म इज बाय द ट्राइकोफाइटोन इसके अलावा कौन सा था माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन ये सब आपको याद रखने हैं आई होप क्लियर है तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट द इन्फेक्शियस स्टेज फॉर प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी प्लाज्मोडियम की वो स्टेज जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करती है या यूँ कह लो कि जो हमें इन्फेक्ट करती है या जो फीमेल एनोफ्लिज मस्कीटो ड्यूरिंग इट्स बाइट हमें ट्रांसफर करता है वो कौन सी होती है दैट इज स्पोरोट कौन सी होती है बेटा स्पोरोजाइट मीन्स ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर ठीक है अब इसमें एक क्वेश्चन और ये बनता है आ, कि ऐसी वो कौन सी स्टेज है जो मस्कीटो जब बाइट करता है तो वो ह्यूमन से लेता है तो आपको याद रखना है दैट इज गैमिटोसाइड स्टेज उसमें मेल और फीमेल गैमिटोसाइड दोनों इंक्लूड होंगे ठीक है नेक्स्ट डिजीज दी है और कॉस्टिव एजेंट हमें बताना है टाइफॉइड कॉज बाय सेलमोनेला मीन्स ए का हो जाएगा थ्री इसमें है आंसर तो आपका वन ही है फिर भी देखते हैं

हमने कहा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमंस के अंदर जो है डिजीज होती है ये हमने किया जी ठीक है डिजीज होती है आ, और हमारे एनवायरमेंट के अंदर बहुत टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं अभी अगर आप इनहेल कर रहे हो आप सांस ले रहे हो ना तो जो भी आपकी सराउंडिंग है वहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इवन पैथोजन्स हैं पैरासाइट्स हैं जिन्हें आप अपनी बॉडी में इनहेल कर रहे हो इसका मतलब क्या ये है कि आप हमेशा ही बीमार रहते हो ऐसा तो नहीं होता आप बैठे हो मैं बैठ मैं हूँ यहाँ पर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो हम वी ऑल आर फिट हम फिट है हमें कोई डिजीज नहीं है क्या हमारे सराउंडिंग में कोई भी बैक्टीरिया नहीं है कुछ भी नहीं है क्या हम बीमार नहीं हो सकते बिल्कुल हो सकते हैं अभी जब हम इनहेल हिन, हिन, कर रहे हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल अंदर जा रहा है बहुत टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी विद एयर तक हमारे अंदर जा रहे हैं हम फूड जो खाते हैं उसके देखो कुक्ड फूड वेरी गुड बट क्या आप कोई भी जंक फूड नहीं खाते क्या आप कोई स्ट्रीट फूड नहीं खाते खाते हो बेटा हाँ चांसेस होते हैं कि जब आप बीमार हो जाते हो बट हमेशा नहीं होते हो इसका मतलब हमारी बॉडी के पास इतनी ताकत है कि आपको बचा कर रखे ठीक है कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं ठीक है थीके? वो हमारी बॉडी की मशीनरी पे कब्जा कर लेते हैं तब वी फील सिक हम बीमार हो जाते हैं बट नॉर्मली तो आप खाते पीते रहते हो इधर उधर का गंदा पानी भी पी लेते हो कौन बार बार बॉयल करके पीता है तो हम बीमार तो नहीं होते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के पास क्या है एक डिफेंस मकैनिज़्म है ठीक है हमारी बॉडी के पास क्या एक है एक इम्यूनिटी है ठीक है इम्यूनिटी क्या होता है बेसिकली ओवरऑल जो है एबिलिटी हमारी बॉडी की टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सकते हैं दैट एबिलिटी दैट योर एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज योर इम्यूनिटी वो क्या है बेटा इम्यूनिटी है तो आज हम स्टार्ट करें हैं इम्यूनिटी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास कौन से कौन से टाइप की इम्यूनिटी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे तो बेटा आप कोशिश करना कि बिल्कुल ध्यान से सुनना और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझाएं ठीक है तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इम्यूनिटी जो है आपकी उसकी डेफिनेशन की बात कर ले सबसे पहले कि इम्यूनिटी है क्या वॉट इज इम्यूनिटी कि भाई इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी की पूरी पावर है फाइट करने की दैट इज योर इम्यूनिटी तो बेटा अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं तो हम क्या बोलेंगे इट इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द इम्यूनिटी ठीक चलो तो डेफिनेशन लिख लो व्हाट इज इम्यूनिटी इम्यूनिटी इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द इट इज द ओवरऑल अरे यार इट इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ आर बॉडी टू फाइट Against to fight against disease causing. ठीक है हमारी बॉडी की ओवरऑल एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड योर इम्यूनिटी अब इस इम्यूनिटी को बेसिकली हम क्या कह सकते हैं हमारी बॉडी का डिफेंस मकैनिज्म uh, जैसे सोल्जर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं बॉर्डर पे हमें क्या कर रहे हैं डिफेंड करें वैसे ही हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स हैं वो हमें क्या कर रहे हैं डिफेंड करें बट अब अगर आप नॉर्मल देखो हमारी आर्मी को तो वहाँ पर क्या है आपके पास मिलिट्री है ठीक है नेवी है ये सब कुछ आर्मी होती है सारी की सारी मतलब डिफरेंट टाइप्स की होती है जो बॉर्डर पे रहती है कोई कहीं पर है ये सब तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के शोल्डर्स हैं ठीक है तो हम अपने डिफेंस मकैनिज्म को हमारे बॉडी के डिफेंस मकैनिज्म को बेटा हम डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप के अंदर एक होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एक होता है नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ठीक है सो अगर हम अपने बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें सो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स और यू कैन से टू टाइप्स दैट इज नंबर वन इज द फिक एंड द अदर वन इज द स्पेसिफिक अब इसका मतलब क्या है देखो नॉन स्पेसिफिक uh, का मतलब है कि यहाँ पर आपके बॉडी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली आप एयर uh, इनहेल कर रहे हो कुछ खा रहे हो ठीक है उसके अंदर वो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करेंगे आपका साथ देने वाले हैं आपको डिजीज होने से बचाने वाले हैं वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देंगे ठीक है वो तो हो गया नॉन स्पेसिफिक अब स्पेसिफिक का मतलब क्या है मान लो कि ये जो नॉन स्पेसिफिक है ये फेल हो जाता है ठीक है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे आपने कुछ खाया उसके साथ चले गए ठीक है जाने के बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में भी आपके ब्लड के अंदर बेसिकली चले गए और नॉर्मल जो ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म था उसको मार नहीं पाया ठीक है तो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज ये सुना है हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं बेटा एंटीबॉडीज होती हैं है. क्या होती हैं एंटीबॉडीज़ होती हैं जो आपको हेल्प करती है डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए ठीक है मान लो कि आपको कोई डिजीज होती है तो आपके आ, आ, मां कोई वायरल इन्फेक्शन होता है ठीक है तो उस वायरल इन्फेक्शन के अंदर क्या है आपकी एक डेफिनेट टाइप की एंटीबॉडी बनेगी जो उसको मारेगी ठीक है या यूं कह लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है एक डेफिनेट टाइप की एंटीबॉडी बनेगी जो उस बैक्टीरिया को मारने वाली है ठीक है तो वो क्या हो जाएगा एक स्पेसिफिक ये क्या है बेसिकली ये क्या है दिस इज पैथोजन स्पेसिफिक ठीक है और ये क्या होता है जर्रलाइज रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का हमारी बॉडी को पता है कि हमें हर चीज़ जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं हवा ले रहे हैं उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हटाना है सिंपल सी बात ये हमारी बॉडी को पता है सो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इज़ द जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स ठीक है और जो स्पेसिफिक है वहाँ पर क्या होगा इट इज़ द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन ये आपको याद रखना है फिर से ठीक है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म है डिफेंस मैकेनिज्म है इट इज द जर्नलाइज रिस्पॉन्स इट इज दर्नलाइज रिस्पॉन्सर ऑफ आर बॉडी यह क्या है हमारी बॉडी का एक जर्नलाइज रिस्पॉन्स है और वो क्या है स्पेसिफिक जो है इट इज द स्पेशलाइज रिस्पॉन्स दिस इज द स्पेश रिस्पॉन्स ठीक है स्पेशलाइज रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन ठीक है अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन और यहां पर क्या इन्वॉल्व होंगे यहां पर इन्वॉल्व होती है एंटीबॉडीज इट इन्वॉल्व एंटीबॉडी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में क्या इन्वॉल्व होंगी बेटा एंटीबॉडी इन्वॉल्व होंगी बट जो नॉन स्पेसिफिक जो आपका जर्रलाइज रिस्पॉन्स है उसके अंदर एंटीबॉडी uh, को छोड़कर उसके अलावा जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो इन्वॉल्व होगा ठीक है सो इट फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर देन द एंटीबॉडीज समझ आ रही है बात एंटीबॉडीज़ के अलावा जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का दैट कम्स अंडर द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अब इसमें क्या आ सकता है मान लो आपने अब इतना पता है आपको कि जो आपका सलाइवा है मुंह अंदर जो स्लाइवा बनता है बेटा ये भी क्या होता है इट इज आल्सो एंटीबैक्टीरियल कैसे भाई क्योंकि स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट है लाइसोजाइम्स वो लाइसोजाइम क्या करते हैं जब आप कोई चीज खाते हो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खा जाते हैं ठीक है ऐसे ही जब वो खाना हमारे मान लो कि यहां से वो बच गए वो खाना हमारे जाता है कहां पर स्टमक में अब स्टमक में क्या प्रेजेंट है बेटा स्टमक में क्या प्रेजेंट है वहां प्रेजेंट है एच सी एल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो स्टमक की ग्लैंड है वो क्या रिलीज करती है हाइड्रोक्लोरिकीस एसिडी के एनवायरमेंट वो एसिडी एनवायरमेंट का भी क्या काम होता है कि वहाँ पर अगर कोई भी microorganism आया, उसको खत्म कर देना इवन जो हमारे टीयर होते हैं जो आंसू आते हैं वो भी उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है लाइसोजाइम प्रेजेंट है ठीक है तो ये सब चीज क्या करती है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में हेल्प करती है बट दे आर

Means other than antibody, other than एंटीबॉडी एंटीबॉडी के अलावा जिस भी तरीके से हमारी बॉडी फाइट करेगी वो आ जाएगा भाई नॉन स्पेसिफिक में समझ आ गई बात इतनी ठीक है ये मैंने एक आपको एक जर्नलाइज सा इस चैप्टर का बता दिया कि हमें क्या पढ़ना है बेसिकली हमें एक तो ये भी पढ़ना है कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी कैसे दिखाती है कि एंटीबॉडी कैसे बनेंगे एक हमें ये पढ़ना है कि हमारी बॉडी ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कैसे दिखाती है इतनी बात क्लियर है बेटा ये पूरा एक ओवरऑल लेआउट सा हो गया कि हमें पढ़ना क्या है अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ इम्यूनिटी की डेफिनेशन हम लिख चुके हैं अब हम देखते हैं कि जो इम्यूनिटी है उसकी टाइप्स कौन सी हैं क्या लिखा मैम ने मैम ने लिखा कि जो इम्यूनिटी है आपकी डिफेंस मैकेनिज्म जो है आपका वो दो टाइप का है एक होता है इननेट एक होता है एक्वायर्ड। दोनों वर्ड्स का मतलब समझो बेटा इनेट में मैंने क्या लिखा प्रेजेंट बाय बर्थ वहाँ मैंने क्या लिखा एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम देखो जब बच्चा पैदा होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास क्या है इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा पैदा हुआ तो उसको हम एकदम स्टरलाइज एन्वायरमेंट दे दें ऐसा एन्वायरमेंट जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है वो नहीं हो सकता ठीक है जब बच्चा आपके घर पर है तो ऑफकोर्स एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई उसे हाथ लगा रहा है आप उसे दूध दे रहे हो तो माइक्रो ऑर्गेनजम की बॉडी में जाएंगे भाई वो सिंपल सी बात है ठीक है जी तो क्या बच्चा हमेशा बीमार रहता है ऐसा नहीं होता मीन्स जब बेबी पैदा हुआ जब बेबी का बर्थ हुआ उस टाइम पर भी उसके पास इम्यूनिटी प्रेजेंट थी उसके पास डिफेंस मकैनिज्म प्रेजेंट था ताकि वो इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ सके ठीक है उसे हम क्या कहते हैं बेटा इनेट इम्यूनिटी कहते हैं क्या कहते हैं इनेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम जब आप पैदा हो गए उसके बाद ये इम्यूनिटी आप एक्वायर करते हो और इसके अंदर आप मेनली पढ़ते हो एंटीबॉडीज़ इसके अंदर आप मेनली क्या पढ़ोगे बेटा एंटीबॉडीज़ ठीक है तो आप इसमें क्या लिख सकते हो इनेट इम्यूनिटी का हमने लिख दिया बेटा इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ जो बर्थ से ही प्रेजेंट है दैट इज इन इम्यूनिटी सेकेंड इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी और ये वाली कौन सी होती है बेटा दिस इज द स्पेसिफिक टाइप अगे अगर आपको याद हो अभी हमने पीछे क्या किया था कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो दो टाइप का है नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक तो आपको याद रखना है जो स्पेसिफिक है जिसके अंदर एंटीबॉडी बन रही थी वो क्या है एक्वायर्ड टाइप और जो नॉन स्पेसिफिक जो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है दैट इज योर इनट इम्यूनिटी वो क्या है इनेट इम्यूनिटी जब आप पैदा हुए हो तो अपने साथ वो इम्यूनिटी लेकर आए हो ये बात याद रखना है एक्वायर्ड इज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम नॉन स्पेसिफिक है यहां एंटीबॉडी बनने वाली है क्या बनने वाली है बेटा एंटीबॉडी बनने वाली है सिंपल सी बात है ठीक अब इस इम्यूनिटी को भी हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं जो ये इनेट इम्यूनिटी है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं चलो पहले हम लिखेंगे बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देन हमने लिखा यहां पर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यहां मैंने लिखा है यहां मैंने लिखा है दिस इज एक्सटर्नल दिस वन इज इंटरनल ठीक है एक बार लिखो फिर समझाती हूं मैं आपको एक्सटर्नल हो गया इंटरनल हो गया इसके अंदर आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपका इंक्लूड होने वाला है फिजिकल बैरियर्स एंड सेकेंड विल बी द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स ठीक और इसमें इंक्लूड होगा आपका सेल्यूलर बैरियर्स और सेकंड होगा बेटा साइटोकाइन बैरियर्स ठीक है और ये जो एंटीबॉडी के थ्रू मिलती है दिस इज कॉल्ड एज दी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इसे हम क्या बोलते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ठीक है अभी एक बात सिंपल सी बात है ये आपको एक्वायर्ड जो है आपको आफ्टर uh, बर्थ अपनी लाइफ टाइम एक्वायर करोगे ठीक है इतनी बात समझ आएगी इतना ही समझना है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है इनट इम्यूनिटी ठीक है इम्यूनिटी की दो टाइप है वन इज इनेट वन इज एक्वायर्ड इन एट विच इज प्रेजेंट फ्रॉम योर बर्थ जो आप बर्थ के साथ अपने साथ लेकर आए हो ठीक है दैट इज द इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप है ठीक है स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक समझ आ गया ये हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कोई फर्क नहीं है इसको इतना पता है ये मेरी बॉडी से अनरिलेटेड है इसको मार दो ठीक है यहां पर क्या है हर एक एंटी हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हर एक बैक्टीरिया के लिए एक डेफिनेट टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनने वाली है इसलिए उसे बोला गया है स्पेसिफिक ठीक है अब जब मैं ये की बात करती हूं तो मैंने लिख दिया कि भाई यहां पर एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है दूसरा है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अब इसका मतलब क्या है मैम देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमने लिखा फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर और वहां पे हमने साथ में लिखा एक्सटर्नल मींस ये वो बैरियर हैं जो मान लो कि आपने कुछ खाया अभी आपने कुछ खाया है बेटा ठीक है आपने कुछ खा लिया आपने हवा ली आपने सांस लिया अंदर मान लो आप सांस की बात करते चलो हमने जो है अपने नोज से क्या किया इनहेल किया तो सबसे पहले अगर आपको सबको पता हो आपके नोज में क्या है नेजल हेयर्स हैं एयर हैं ये क्या करते हैं उस एयर को फिल्टर कर रहे हैं जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको वहीं ट्रैप कर लेते हैं ठीक है तो मींस अभी क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ब्लड के टच में नहीं आए हैं किसके टच में ब्लड के टच में नहीं आए हैं उसके पहले ही हमारी बॉडी ने उनको मारने की कोशिश कर दी अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में ब्लड के टच में नहीं आए हैं उससे पहले ही हमारी बॉडी ने उनको मारने की कोशिश की ट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल क्यों अभी वो ब्लड में नहीं गई तो वो एक्सटर्नल हो गए इतनी बात क्लियर है कर लोगे इतना समझ आ गया ठीक है तो इसके अंदर हमने लिखा है बैरियर में आपको बताऊंगी कि फिजिकल में कौन सा लेंगे और फिजियोलॉजिकल में कौन सा लेंगे ठीक है जी फिर क्या होता है फिर ये होता है कि हमारी बॉडी ने बड़ी कोशिश की कि उनको वही मार दिया जाए इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के थ्रू ही बॉडी के थ्रू इसको मार दिया जाए बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में थोड़ी सी ज्यादा ताकत थी वो नहीं मर पाए बहुत सारे मिलियंस में आते हैं नहीं मर पाए भाई थोड़े से रह गए कहाँ चले गए आपके ब्लड में चले गए अब ब्लड के पास ब्लड के पास जब आप पैदा हो तब भी ब्लड के पास उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है ठीक है क्या है वो डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट है डब्ल्यू बी सी व्हाइट ब्लड सेल डिफरेंट टाइप के जिसमें मेनली जो तो सबसे मोस्ट अबंडेंट होते हैं दैट आर द न्यूट्रोफिल्स जिन्हें क्या कहते हैं बेटा न्यूट्रोफिल तो जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ब्लड में घुस गया मान लो चला गया भाई नहीं नहीं मार पाया हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस तो सेकेंड लाइन डिफेंस एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है वो क्या करेगा जैसे ही वो आपके ब्लड के अंदर गया ठीक है तो वहां पर क्या हुआ बहुत सारे क्या थे न्यूट्रोफिल्स थे मोनोसाइट्स थे टिश्यूज के अंदर माइक्रोफेज थे उन सब ने देखा अरे ये तो हमारा दुश्मन है चलो इसे मारते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है उसके अलावा हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे साइटोकाइन बैरियर्स जिसमें आएगा बेटा इंटरफेरोंस ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं समझ आ गई इतनी बात वट इज इट इम्यूनिटी वट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वट इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ठीक है जब ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी फेल हो जाता है ना उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में तो हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें अब उस बैक्टीरिया के खिलाफ हमारी बॉडी बनाना शुरू कर देगी क्या एंटीबॉडीज ठीक है क्लियर है तो हम स्टार्ट करें हैं इनेट।, इनेट में सबसे पहले हम करेंगे बेटा फिजिकल बैरियर्स या एक काम करते हैं हम इनेट इम्यूनिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है ठीक है अकॉर्डिंग टू द बुक हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करें हैं इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट at the टाइम ऑफ बर्थ ठीक है फिर से लिख देना इसमें कि ये नॉन स्पेसिफिक है ठीक है कैसी है बेटा नॉन स्पेसिफिक है ठीक है अब हमारी बॉडी के अंदर क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी डिफरेंट Types of barriers are present in our body against. फोरन पार्टिकल्स फोरन मतलब जिसको हमारी बॉडी नहीं जानती है जो फोरन से बाहर से लोग आते हैं क्या आप उनको जानते हो अलग से ही पता चल जाते हैं ना ऐसे हमारी बॉडी को भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पहचानती नहीं है तो उसको अलग से पता चल जाते हैं ठीक है ठीके? तो अगर हमें भी डिफरेंट टाइप की बात करूँ तो यहाँ आप इंक्लूड करेंगे बेटा फोर टाइप्स ठीक है यहाँ हम इंक्लूड करने वाले हैं फोर टाइप्स जिसमें सबसे पहला जिसमें नंबर वन है दैट इज द फिजिकल बैरियर दैट इज योअर फिजिकल बैरियर क्या है बेटा फिजिकल बैरियर है और ये फिजिकल बैरियर जो होता है इट इज दिन बैरियर ठीक है मेन बैरियर में यहां पर कौन सी आती है सबसे बड़ी स्किन अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा बैरियर या प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है स्किन अगर आपको याद हो बेटा जब आप स्किन का स्ट्रक्चर करते हो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर उसमें आपने किया होगा तो स्किन क्या होती है इट इज स्ट्रेटिफाइड बहुत सारी लेयर्स होती है स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है दैट इज स्ट्रेटम कोर्नियम ठीक है उसके अंदर क्या होता है कैरेटिन प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन क्या है इट इज क्रेटिनाइज एपिथीलियम हमारी स्किन कैसी है बेटा इट इज स्ट्रेटिफाइड क्रेटिनाइज एपिथीलियम है ठीक है अब ये जो कैरेटिन होता है ये डेड है तो ये कैरेटिन जो है आपकी बॉडी के थ्रू स्किन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री की जगह ही नहीं देता तो स्किन इज द मेन नॉन स्पेसिफिक बैरियर स्किन क्या है आपका इट इज़ द मेन नॉन स्पेसिफिक बैरियर सो फिजिकल बैरियर में सबसे पहले हमने क्या लिख दिया है बेटा स्किन ठीक है विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नंबर वन पे हमने लिखा स्किन विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिमिलरली इसके अंदर सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा म्यूकस ठीक है कौन सा आ जाएगा इसमें लिखो फिर म्यूकस म्यूकस कहाँ प्रेजेंट है म्यूकस विच कवर योर रेस्पिरेट्री गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल सर्फेस समझ रहे हो अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी सरफेस की तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो हमारी ट्यूब है उसके अंदर बहुत सारे क्या होती है ग्लैंड होती हैं ठीक है अब वो गोबलेट सेल्स होते हैं लाइक वो क्या रिलीज करते हैं म्यूकस अब इस म्यूकस का काम क्या है मान लो यहाँ से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी ट्रैप नहीं कर पाया था हमारा ये ठीक है तो क्या हुआ हेयर ट्रैप नहीं कर पाए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएंगे आपके यहाँ से जाते जाते कहाँ जाएंगे बेटा ट्रैक किया ठीक है अब वहाँ पर क्या प्रेजेंट है म्यूकस वो म्यूकस क्या करेगा उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेगा ठीक है सो दिस म्यूकस लाइन्स योर रेस्पिरेटरी सर्फेस इट ऑल्सो लाइन्स योर जी आई टी गेस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक पूरे जी आई टी के अंदर जो है म्यूकस है ठीक है उसके अलावा जो यूरोजेनाइटल एरिया होता है ठीक है यूरोजेनाइटल एरिया आपको समझ आ गया जो हमने किया था हमारे रिप्रोडक्टिव चैप्टर में वहां पर भी क्या है म्यूकस तो इस म्यूकस का काम क्या है कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं उनको ट्रैप कर लेना सिंपल सी बात है हम बॉडी के अंदर एंट्री ना करने देना सो so, म्यूकस so, जो है विच इज लाइनिंग म्यूकस लाइनिंग द म्यूकस लाइनिंग दिथीलियल या यूँ लिखो म्यूकस कवरिंग द बेसिकली म्यूकस कवरिंग द एपिथीलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेट्री रेस्पिरेट्री जी आई टी एंड द यूरोजेनाइटल ट्रैक ठीक है बेटा सो म्यूकस जो है उसका भी काम क्या है इट विल एंट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस कवरिंग द एपिथिलियन लाइनिंग ऑफ द बेसिकली एंट्रेप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्रिंग आर बॉडी एंट्रेप माइक्रो ऑर्गेनिजम एंट्रिंग आर बॉडी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उनको ट्रैप करने का काम होता है सिंपल तो फिजिकल बैरियर में आपको देखो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पहले बता रही हूं फिजिकल बैरियर में क्या इंक्लूड करोगे स्किन इंक्लूड करोगे म्यूकस लाइनिंग इंक्लूड करोगे दो चीज इंक्लूड करनी है जस्ट क्लियर है फिजिकल बैरियर आई थिंक क्लियर है बेटा सेकेंड नंबर पे आने वाला है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर फोर टाइप के बैरियर लिखे हैं जिसमें हमने फर्स्ट नंबर लिखा है फिजिकल देन द सेकेंड वन इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स फिजियोलॉजिकल बैरियर अब इसमें लिखो क्या क्या इंक्लूड करोगे आप फिजियोलॉजिकल बैरियर में इंक्लूड करोगे बेटा आप क्या एसिड इन द स्टमक स्टमक के अंदर जो आपका एसिड है दैट विल बी इंक्लूडेड ठीक है सलाइवा इन द माउथ माउथ के अंदर जो आपका सलाइवा बन रहा है वो उसके अलावा मैंने क्या बताया था आंसू टीयर्स टीयर्स फ्रॉम इस ये सब तीनों चीज आपकी इंक्लूड हो रही है किसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर में ये क्या करते हैं दे ऑल प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ ये तीनों ही क्या कर रहे हैं ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ ये सब क्या कर रहे हैं बेटा दे ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल माइक्रोबियल ग्रोथ इसमें प्रेजेंट क्या होते हैं लाइसोजाइम्स लाइसोजाइम जो कि क्या शो करते हैं फेगोसाइटोसिस पता है ना फेगोसाइटोसिस मतलब कि एक जो आपका जो सेल है जो लाइसोजाइम है जैसे ही उसको कोई क्या मिलता है एक फॉरेन पार्टिकल वो उसको ऐसे अंदर की तरफ ले जाता है और उसको खा जाता है दैट इज फेगोसाइटोसिस ठीक है तो चाहे आपका एसिड इन द स्टमक हो टीयर्स आंसू आए आंखों से या मुंह के अंदर जो सलाइवा है दे ऑल कंटेन द लाइसोजाइम वो क्या करता है वो फेगोसिटिस फैगोसाइटोसिस शो करता है एंड बेसिकली इट प्रिवेंट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ इतनी बात क्लियर है बेटा ठीक है सो इन ये अच्छे से याद रखने हैं आपको इन इनपे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ठीक है एक चीज बुक में हमारा इतना लिखा हो बट एक चीज आप और इसमें ध्यान करनी है क्या कि जो आपका अगर आ, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट वहां पर एक बैक्टीरिया मिलता है बेटा दैट इज लेक्टोबेसिलस एसिडोफिलस कौन सा होता है लेक्टोबेसिलस एसिडोफिलस नाम से क्लियर है भाई एसिड बनाना है इसने कैसे बनाएगा ये जो ग्लाइकोजन होता है उसको कन्वर्ट करता है उसको तोड़ देता है लैक्टिक एसिड में और ये जो लैक्टिक एसिड है ये फीमेल वेजाइना के अंदर पीएच को मेंटेन करके रखती है और वहां से कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ जो है एंटर नहीं होने देती अगर फीमेल वेजाइना के पीएच में डिस्टर्बेंस आए ठीक है कुछ डिस्टरबेंस हो जाए पीएच कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तब वहां पे माइक्रोबियल बेसिकली बेसिक हो जाएगा तो वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है जिसे हम कहते हैं कि यूटीआई हो गया ट्रैक्ट इंफेक्शन हो गया किसी भी चीज से ठीक है तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि जो फीमेल वजाइना है फीमेल वजाइना जो है बेटा वहां पे प्रेजेंट है एक बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज द लैक्टो लेक्टोलस एसिडोफिलस ये क्या करता है कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू लैक्टिक एसिड और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है इट मेंटेन्स द एसिडिक पीएच ऑफ वजाइना और ये एसिडिक पीएच क्या करता है इट प्रिवेंट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ इट प्रिवेंट्स द क्या है लेको एसिडो है इट मेनटेन्स द एसिडिक पीएच ऑफ द फीमेल वज़ाइना एंड और ये जो एसिडिक पीएच है ये क्या करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को होने से बचाता है क्लियर है इतनी बात बेटा सबको आई होप सबको क्लियर ही होगी ठीक तो ये अगर हम इन दोनों की बात करें ना आ, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ये हमने कहाँ लिखे थे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में लिखे थे ठीक है दोनों चीज कंप्लीट हो चुकी है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ठीक है सो नेक्स्ट so जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज लाइन ऑफ डिफेंस अब कंफ्यूज नहीं होना क्या हुआ मैम क्या हुआ देखो मैंने आपको दो बता दिए थे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है innate के अंदर दो इंक्लूड हो रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ठीक है इसके अलावा मैंने आपको innate में हम आप नॉर्मल आपकी बुक में दिया हुआ है कि चार टाइप के बैरियर हैं फिजिकल फिजियोलॉजिकल सेलर एंड साइटोकाइन जिसमें से अभी हमने डिस्कस कर लिया है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल जो आपके इंक्लूड होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ठीक है क्योंकि अभी तक ये हमारे ब्लड में नहीं गए हैं माइक्रो माइक्रोग्रेव हमारे ब्लड ने काम करना स्टार्ट नहीं किया WBC ने काम करना स्टार्ट नहीं किया है अब हम कर रहे हैं लाइन लाइन ऑफ ऑफ डिफेंस डिफेंस आता है है ये इम्यूनिटी में में ही है। इस डिफेंस में जो है आपके दो टाइप के बैरियर इंक्लूड होंगे बेटा वन इज द सेल्युलर बैरियर ठीक है सेकेंड वन इज द साइटोकाइन बैरियर तो इसके अंदर सबसे पहले हम करने वाले हैं मतलब कि जो इनेट के चार बैरियर है उसमें से दो बैरियर कर लिया है हमने थर्ड बैरियर जो है दैट इज द सेल्यूलर बैरियर ठीक है सो थर्ड वन इज द सेल्यूलर बैरियर थर्ड नंबर पे इंक्लूड हो रहा है आपका सेल्यूलर बैरियर अब सेल्यूलर बैरियर में मैंने आपको पहले ही बताया था इट इंक्लूड डब्ल्यू ऑफ आवर बॉडी हमारी बॉडी की जो डब्ल्यू बीसी है वो इंक्लूड करेंगे इट इंक्लूड्स डब्ल्यू बी सीज ऑफ आर बॉडी लाइक जैसे कि फर्स्ट वन इज द पी एम एन एल पी एम एन एल एम जिसको हम न्यूट्रोफिल भी कहते हैं पीएमएनएल की फुल फॉर्म क्या है इट इज पोली मोरफो न्यूक्लियर ल्यूक्साइट्स इसको हम न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं पीएमएनएल की फुल फॉर्म लिख लो बेटा दिस इज पोली न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स ठीक है सो so, एक तो हो गया आपका पीएमएनएल दूसरा हो जाएगा आपका मोनोसाइट्स सेकेंड टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सी इज द मोनोसाइट डब्ल्यू बीसी फुल फॉर्म पता है ना बेटा ठीक है न्यूट्रोफिल होती है मोनोसाइट्स होती है लिंफोसाइड्स होती हैं बेजोफिल्स होती हैं याद आ रहा है कुछ uh, तो हमने क्या लिखा पीएमएन हो गया न्यूट्रोफिल हो गया मोनोसाइट्स हो गए उसके अलावा आप इंक्लूड करेंगे इसमें नेचुरल किलर सेल जिसको आप एनके सेल्स भी कह देते हैं ठीक है इसमें इंक्लूड हो गया नेचुरल किलर सेल्स ठीक मोनोसाइट्स हो गया नेचुरल किलर सेल्स हो गया मैक्रोफेजेस लिख लो मैक्रोफेजेस हो गया ठीक है सबका काम क्या होता है दे ओल शो फैगोसाइटोसिस इन द ब्लड क्या करते हैं ऑल शो फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रॉय एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स तब क्या शो करते हैं बेटा फैगोसाइटोसिस एंड दे डिस्ट्रॉय माइक्रोब इसके अलावा सेलुलर बैरियर में आप क्या इंक्लूड करेंगे एक होता है फीवर दूसरा है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन या इन्फ्लामेशन जस्ट कुछ भी कह लो ठीक है तो यह है आपके सेल्युलर बैरियर जो आपकी बॉडी में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिजम आपके ब्लड के अंदर चले गए तो हमारा ब्लड कहेगा ओ नो ओ शिट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तभी की तभी स्टार्ट हो जाएगा तो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर पी एम की दैट इज पोलीमोर्फो न्यूक्लियर पॉइंट्स लिख इनके बारे में। सो so, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल्यूलर बैरियर में ही सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं बेटा दैट इज पी एम जिसको हम न्यूट्रो फिल भी कहते हैं दीज आर द मोस्ट अबंडेंट क्या है दे आर द मोस्ट अबंडब्ल्यू बी सी अगर आप डब्ल्यू बी सी की बात करो तो सबसे ज्यादा नंबर के अंदर जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल और अगर इनके हम परसेंटेज की बात करें सो दे कॉन्स्टिट्यूट सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सी सिंपल सी बात है बेटा जब आपकी बॉडी आपकी ब्लड में सॉरी जब कोई भी माइक्रोब आपके ब्लड में एंटर गया है, तो फर्स्ट सबसे पहले जो डब्ल्यूबीसी काम करना शुरू करेंगे वो होते हैं न्यूट्रोफिल भाई क्यों क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर है इनका ठीक है 60 टू 65% फाइव परसेंट ऑफ द टोटल डब्ल्यू बी सी आर फॉर्म बाय द न्यूट्रोफिल दे आर द मोस्ट अबंडब्ल्यू बी ठीक है दे आर शॉर्ट लिव्ड इनका जो uh, जीने का समय है बहुत कम है बट ऑफ कोर्स बार बार नए नए जो हैं वो बनते रहते हैं सो दे आर शॉर्ट लिफ्ट एंड हाईली एंड आर हाईली मोटाइल फैग्रोसिटिक सेल्स बहुत ऐसे ना बहुत फास्ट फास्ट चलती हैं और कोई भी माइक्रो ऐसे चलते जा रहे चलते जा रहे हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेजम मिला आ जाओ खा जाएंगे बात खत्म ठीक है तो ये इनका काम करने का तरीका होता है शोर्टलिंडली मोटाइल किलर्स या सेल्स कुछ भी कह लो ठीक है अब इसी के अंदर इसको हम नंबरिंग दे देते हैं बेटा ए की ठीक है नंबर बी पे हम इंक्लूड करेंगे क्या मोनोसाइट्स तो सेकेंड वन इज़ दी मोनोसाइट्स अगर हम मोनोसाइट्स की बात करें अगर हम बेटा मोनोसाइट्स की बात करें तो सबसे क्या होते हैं लार्जेस्ट होते हैं दे आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट देखो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है और ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं कंफ्यूज नहीं होना है डब्ल्यू को ही हम ल्यूकस ल्यूकोसाइट्स कहते हैं जिसमें से सबसे अबंडेंट जो थे दैट वर द लूको न्यूट्रोफिल और अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट इन साइज कौन से हैं तो वो होते हैं मोनोसाइट लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डब्ल्यू लार्जेस्ट ऑफ ओल्ड टाइप्स ऑफ डब्ल्यू बीसी डब्ल्यू बी सीज में सबसे लार्जेस्ट जो है दे आर द मोनोसाइट्स शेप की बात करें सो दे आर एमी बॉयड इन शेप एमिबॉइड शेप का मतलब होता है कि इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है एमिबॉइड शेप का मतलब होता है कोई डेफिनेट शेप नहीं है अगर तुम ऐसी शेप बना दो ऐसी शेप बना दो ये सब क्या है दिस ऑल आर दी मोनोसाइट्स ये सब क्या होते हैं बेटा मोनोसाइट्स होते हैं ठीक है सो दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सी एमिबॉयड इन शेप आ, साथ में एक लिखो मोबाइल एंड फैगोसिटिक इन नेचर आर मोबाइल एंड फेगोसिटिक इन है उसके बाद क्या होते हैं ये जो मोनोसाइट हैं ये ही जनरली पॉइंट पे आपको जो है इंजरी हुई है चोट लगी कुछ भी हुआ है कोई भी इंफेक्शन हुआ है तो जो आपके ब्लड के अंदर ये मोनोसाइट्स घूम रहे हैं क्योंकि इनकी कैसी है बेटा अमीबॉयड शेप है और अगर आपको याद हो कि जो डब्लू होती हैं इन द ब्लड दे शो ब्लडी डायापीडा क्या थी कि जो आपकी डब्बू है दे कैन मूव आउट फ्रॉम द कैपिलरीज ठीक है तो जैसे ही ये कैपिलरी से मूव करती है ये मोनोसाइट ये टिश्यू के अंदर जाती है और टिश्यू के अंदर जाकर दे चेंजेस इनटू द मैक्रोफेजिस इनका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है इन मैक्रोफेजिस के अंदर क्या होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स का नंबर भी ज्यादा होता है As compared to the monocytes, so, you can write that generally they changes into generally they changes into macrophages upon entering into the tissue. अपॉन एंट्रिंग इन टू द टिश्यू आप या आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हो कि भाई इन मोनोसाइट्स को ही हम मैक्रोफेजिस कहते हैं जब ये किसी टिश्यू के अंदर एंटर कर जाती है ठीक है तो हमने सेल्युलर बैरियर में अभी तक दो पढ़ लिए हैं वन इज दी एम एन एल दैट इज न्यूट्रोफिल सेकेंड वन हमने पढ़ा है बेटा मोनोसाइट्स अब हम कर लेते हैं वही जो हम बोल रहे थे थर्ड नंबर पर मैक्रोफेजिस है. तो अगर मैं मैक्रोफेजिस की बात करूं तो so मोनोसाइट्स जो हैं, दे सर्कुलेट इन द ब्लड फॉर अबाउट एट आवर्स आठ घंटे तक वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं फिर उसके बाद वो टिश्यू में आते हैं एंड दे बिकम द मैक्रोफेजिस लिखो मोनोसाइट्स सर्क्यूलेट इन ब्लड फॉर एट आवर्स एट आवर्स तक जो है मोनोसाइड दे सर्क्यूलेट इन द ब्लड देन ट्यूरिंग विच दे चेंजेस ड्यूरिंग विच उनके अंदर क्या होते हैं इस टाइम पे आठ घंटे के टाइम पे क्या होते हैं बेटा उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं एंड दे माइग्रेट इन टू टिश्यू ड्यूरिंग विच दे चेंजेस एंड माइग्रेट इंटू टिश्यूज टिश्यूज के अंदर क्या कर जाते हैं माइग्रेट कर जाते हैं कौन मोनोसाइट अब जब टिशू के अंदर वो माइग्रेट कर गए हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं देन वी कॉल दैम द मैक्रोफेजी सो दे डिफ्रेंशिएट इन टू टिश्यू मैक्रोफेजिस अब वो किसमें डिफ्रेंशिएट कर गए हैं दे डिफ्रेंशिएट इन टू द टिश्यू मैक्रोफेजिस क्लियर है, है बेटा सब so, सबसे पहले मोनोसाइट कहां पर है आपके ब्लड में जहां पर वो आठ घंटे तक जो है सर्क्यूलेट करते रहते हैं फिर उस आठ घंटे के पीरियड में उनके अंदर कुछ चेंज आते हैं एंड दे माइग्रेट इन टू द टिश्यू अब चेंजेस मैंने आपको बताया था कि उनके अंदर जो एंजाइम की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी ठीक है तो उसके बाद दे माइग्रेट टू द टिश्यू माइग्रेट जब टिश्यू में कर जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है टिश्यू माइक्रोफेजिस और दे कंटेन मोर लाइसोजोम्स बात करो तो मैक्रोफेजिस जो है बेटा दो टाइप के होते हैं वन इज द फिक्सड मैक्रोफेजिस दूसरा होता है वॉन्ड्रिंग मैक्रोफेजिस लिखो एक बार इसको अगर मैं मैक्रोफेजिस की बात करू मैक्रोफेजिस की अगर हम बात करते हैं तो मैक्रोफेजिस भी दो टाइप के हैं मैक्रोफेजिस जो हैं वो दो टाइप के हैं वन इज द फ़िक्स्ड मैक्रोफेजिस अनदर वन इज द वॉन्ड्रिंग मैक्रोफेजिस देखो फिक्स मैक्रोफेजिस का मतलब है कि कुछ मोनोसाइड्स टिश्यूज के अंदर गए मैक्रोफेज बन गए वहां जाकर उन्होंने अपना एक फिक्स कर लिया कि भाई मैं तो इसी टिश्यू में रहने वाला हूं सो so, वो हो गए मैक्रोफेज कुछ मैक्रोफेज जो हैं वो जाते हैं टिश्यू के अंदर या फिक्स में आप या कह सकते हो कि उनकी एक प्रॉपर पोजीशन भी है कि वो वहीं पर ही रहेंगे वॉन्ड्रिंग में क्या है कि ये वो मैक्रोफेज है जो टिश्यू में जाकर कहीं एक जगह टिकते नहीं है वो घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म मिल जाए उसको खा जाएंगे ठीक है तो वो होते हैं बॉन्ड्रिंग बॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है इधर उधर भटकना तो ये भटकते रहते हैं फिक्स मतलब भाई ये कहते हैं हम तो अपना आराम से एक जगह बैठेंगे अपना काम करेंगे अब इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल होता है बेटा जैसे कि आप करते हो लीवर के अंदर लीवर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं एंटीबैक्टीरियल सेल कौन से होते हैं वहां पर कफर सेल्स कौन से होते हैं बेटा कफर सेल्स ऐसे ही लंग्स की बात करें तो वहां पर होते हैं पैम दैट इज पल्मोनरी एल्व्योलर मैक्रोफेजिज ठीक है एल्वियोलाई के अंदर आप पढ़ते हो पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजिस दे आर द टाइप ऑफ द फिक्स्ड मैक्रोफेजिस सिमिलरली कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आप पढ़ते हो हिस्टियोसाइट्स ठीक है हर टिश्यू में इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू में इसको नाम दे दिया गया हिस्टियोसाइट्स ठीक है जी और फिर उसके अलावा हाँ उसके अलावा हिस्टोसाइड्स हो गया कफर सेल्स हो गए बोन्स के अंदर होते हैं आपके ओस्टियोक्लास दे आर ऑल्सो द मैक्रोफेजिज वो भी क्या है बेटा मैक्रोफेजिज ही हैं ठीक है थीके? तो फिक्स मैक्रोफेजिज वो हैं जो टिश्यू के अंदर गए और उन्होंने अपनी एक प्रॉपर पोजिशन जो है अपनी तय कर ली कि हम तो यहीं रहेंगे भाई ठीक है सो फिक्स्ड फिक्स मैक्रोफेजेस में आप क्या लिख सकते हो दे बिकम फिक्स इन अ पर्टिकुलर टिश्यू बिकम्स फिक्सड इन अ पर्टिकुलर टिश्यू दे बिकम फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और वॉन्ड्रिंग क्या होते हैं दे रिमेन मोटाइल मूव इन द टिश्यू ये क्या करते रहते हैं टिश्यू के अंदर मूव करते रहते हैं मोटाइल होते हैं मतलब मोटाइल का मतलब पता है ना जैसे स्पम थे मोटाइल थे वो ही होता है ठीक है मोटाइल तो ये आ, क्या करते हैं दे जस्ट मूव इन द टिश्यू ठीक आ, और ये कौन से हैं बेटा दे गेट फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर टिश्यू ये जो है फिक्स्ड हो चुके हैं एक पर्टिकुलर टिश्यू में अब जो मैंने आपको नाम बताए थे वो नाम यहाँ मैंशन कर देते हैं सबसे पहला इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो वन वॉज द पैम दैट इज पलमोनरी एलवियोलर मैक्रोफेजिस इन लंग्स ठीक सेकेंड नंबर पर आप लिख सकते हो इसके अंदर कपर सेल्स इन लीवर कफर सेल्स जो कि आपके लीवर में है फिर आप थर्ड नंबर पे लिखोगे बेटा हिस्टियोसाइट्स इन द कनेक्टिव टिश्यू सीटी मींस कनेक्टिव टिश्यू ठीक है आप यहीं पे कंफ्यूज ना हो जाना हिस्टियोसाइट्स इन द कनेक्टिव टिश्यू उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो ओस्टियो इन बोन्स हाँ एक और चीज लिखो बेटा इसके अंदर आप पढ़ोगे माइक्रो micro... या पढ़ाई होगा आपने माइक्रोग्लियल सेल्स इन ब्रेन ब्रेन के अंदर जो माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं दे ऑल्सो एक्ट एज द मैक्रोफेजिस मीन इनका काम है कोई भी फोरन पार्टिकल आ गया उसको करना उसको खा जाना ठीक है कैसे बने होंगे ये समझ आ गए मैक्रोफेजिस कैसे बनते हैं मोनोसाइट्स जो हैं आपके ब्लड में घूमते रहते हैं कुछ टाइम बाद वो एक डेफिनेट शेप लेते हैं एंड दे डिफ्रेंशिएट इन टू द मैक्रोफेजिस मैक्रोफेज और मोनोसाइट में डिफरेंस क्या है एक तो मोनोसाइट ब्लड में घूम रहे हैं मैक्रोफेज टिश्यू में आ गए हैं दूसरा मैक्रोफेज जो हैं उनका साइज थोड़ा आप बड़ा कह सकते हो साथ में उनके अंदर जो एंजाइम्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं मैक्रोफेजेस दो टाइप के हो गए बेटा कौन से एक तो हो गए फिक्स्ड एक टिश्यू में जाके फिक्स हो गए वहां उनको एक प्रॉपर नाम दे दिया गया और दूसरे होते हैं आपके वो ड्रिंग जो हमेशा मोटाइल रहते हैं दे जस्ट मूव इन द टिश्यू बाय अमीब मूवमेंट इनकी मूवमेंट कैसी होती है बेटा बाय ठीक है क्लियर है इतनी बात सो so, हमने मैक्रोफेजिस भी कर लिया आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी इसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं होगा ठीक फिर हमारा हमने लिखा था एनके सेल्स दैट इज द नेचुरल किलर सेल्स तीन हो गए डी नंबर पे लिखो नेचुरल किलर सेल्स और यू कैन सेन के क्या होते हैं नेचुरल किलर सेल्स और जिसे हम क्या कहते हैं एन के सेल्स कह देते हैं ठीक है ठीके? अब ये जो एन के सेल्स होते हैं पहली बात तो दे आर नॉन फेगोसिटिक देखो अब आते बच्चे कंफ्यूज ना हो जाना फेगोसीटिक का मतलब क्या था मैम देखो कि मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी मोनोसाइट मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल बना दिया ठीक है इसको बेटा यहाँ पर दिखाई दिया एक पैथोजन इसको क्या दिखाई दिया पैथोजन दिखाई दिया अब ये न्यूट्रोफिल क्या करता है इट शोज द मूवमेंट और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है ठीक है ये इसके पास चला गया और ये यह यहाँ आ गया अल्टीमेटली अरे एक मिनट

ले गया अंदर जाके उसको क्या कर देगा उसको खा जाएगा so, ये जो तरीका है दिस इज कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस खाने वाला तरीका जो होता है बेटा उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस अरे उसे हम क्या कहते हैं बेटा फेगोसाइटोसिस कहते हैं ठीक है बट मैंने क्या लिखा कि जो आपके ये एनके सेल्स हैं नेचुरल किलर सेल्स हैं दे आर नॉन फेगोसाइटोसिस भी मारेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बट वो इस वाले मेथड से नहीं मारने वाले ठीक है ये क्या है दे आर नॉन फेगोसिटिक दे आर ऑफकोर्स द टाइप ऑफ द लिंफोसाइट्स एनके सेल्स क्या होते हैं बेटा डब्ल्यू की टाइप होती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स so, की ये एक टाइप होती है कौन से एनके सेल्स सो एनके सेल्स दे आर द टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट्स। और कहा मिलते हैं आपको दे आर प्रेजेंट इन स्प्लीन लिम्फनोड एंड रेड बोन मेरो प्रेजेंट इन स्प्लीन लिम्फ नोड एंड रेड बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं स्प्लीन लिम्फ एंड रेड बोन मैरो अगर मैं इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करूं मोड ऑफ एक्शन ऑफ फैगोसिटिक तो है नहीं तो ये काम कैसे करते हैं मोड ऑफ एक्शन की अगर इनकी बात करें बेटा सो दे रिलीज इज दे रिलीज इज परफोरेंस पर फोर बेसिकली क्या है दे आर द केमिकल्स परफोर क्या होते हैं केमिकल्स अब नाम से ही क्लियर होना चाहिए परफोरिन ऐसी चीज चीज जो किसी को परफोरेट कर दे क्या कर दे बेटा परफोरेट कर दे सो so, ये क्या करते हैं परफोरिन रिलीज करते हैं जैसे ही ये परफोरिन जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बैक्टीरिया के पास जाता है उसकी सेल मेम्ब्रेन में इंसर्ट होता है जाकर तो वहां पर क्या कर देता है पोर्स बना देता है क्या करेगा बेटा पोर्स बना देगा वेन इंसर्टेड इन सेल मेंब्रेन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्रिएट्स पोर्स पोर्स क्रिएट करेगा पोर क्रिएट करेगा तो क्या होगा वॉटर का इनफ्लो होगा वो जो पानी है वो उस सेल के अंदर जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसके अंदर क्या जाएगा बेटा पानी जाएगा वॉटर इनफ्लो और इससे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सेल बर्स्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा सेल बर्स्ट जिसे हम क्या कहते हैं साइटोलिसिस लाइसिस का मतलब क्या होता है ब्रेकडाउन हो जाना सेल का ब्रेकडाउन हो गया उसे हम क्या कहेंगे साइटोलिसिस कहेंगे सिंपल सी बात है ये एक सेल था ठीक है ये क्या था एक बैक्टीरियल सेल था बैक्टीरियल सेल था इसके पास आकर अटैच हो गए क्या परफोरेंस दिस इज परफोर मैं कह देती हूं कि ये क्या थे परफोरेंस थे अब इन परफोरेंस की वजह से क्या हुआ ये जो सेल था बेटा इसकी सेल वोल के अंदर क्या हो गए होल होने शुरू हो गए ये सेल ऐसा हुआ सेल जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ अंदर क्या एंटर करने लग गया वॉटर वॉटर के अंदर एंटर होने से ये क्या हो गया सेल की हो गई बर्स्टिंग सेल कर गया ऐसे बर्स्ट बस्टिंग ऑफ सेल वॉटर का इनफ्लो हुआ सेल क्या हुआ स्वेल सेल स्वेल अप और अल्टीमेटली क्या हुआ उस सेल की बस्टिंग हो गई वो सेल जो है फट गया एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द साइटोलिसिस तो ये तरीका है जिसके थ्रू आपके ये जो एन के सेल्स हैं वो काम करते हैं बेसिकली क्या रिलीज करते हैं दे रिलीज दर्फोरिन क्या रिलीज करते हैं बेटा परफोरिन ये तो हो गई आपका मेन मेन चीज फिर अगर आपको याद हो सेलूलर बैरियर में मैंने दो चीज लिखी थी वन इज द फीवर एंड द सेकेंड वन इज इन्फ्लामेशन कि भाई इन्फ्लामेशन में ऐसा क्या होता है देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन इंफ्लामेशन क्या होता है जब भी आपको कोई चोट लगती है तो हल्की सी हाँ पे सूजन हो जाती है, उभार हो है. है. और फीवर, आप समझो कि कोई बीमार था तब इतना ज्यादा हो गया नहीं वो हमारी बॉडी क्या कर रही है हम खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है कैसे देखो मान लो कि आपकी बॉडी पे कोई स्क्रैच लगा कोई चोट लगी आपकी स्किन के ऊपर जो है चोट लग गई ठीक है ये आपकी स्किन थी यहां पर एक स्किन में क्या हो गया बेटा एक ब्रेक हो गया ये हो गया ब्रेक अब इस ब्रेक की वजह से क्या हुआ बाहर की तरफ से क्या एंटर कर गए हैं बैक्टीरिया ये मान लो ये एंटर कर गए यहां पर बैक्टीरिया ब्रेक इन स्किन ड्यू टू इंजरी आपकी स्किन में ब्रेक हुआ जिसकी इंजरी की वजह से और उस साइट के उस साइट के थ्रू जो है एंट्री हो गई किसकी बैक्टीरिया की अब जो ये आपका इंजर्ड टिश्यू है ये जो इंजर्ड टिश्यू है इंजर्ड टिश्यू यह क्या रिलीज करता है ये रिलीज करता है बेटा प्रोस्टाग्लैंड क्या रिलीज किया इसने? अब इसने प्रोस्टाग्लैंड क्या करते हैं एक, एक तो ये आपके जहां पे आपको चोट लगती है कहीं पर भी चोट लगी तो आपको दर्द होता है ठीक है किसकी वजह से होता है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंड रिलीज होते हैं ठीक है सो so, दे एक्टेज पेन रिसेप्टर दूसरा ये क्या करते हैं ये जो मास्ट सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं मास सेल्स को एक्टिवेट किया जैसे ही मास सेल को एक्टिवेट किया तो मास सेल्स क्या रिलीज करते हैं मास सेल्स रिलीज हिस्टामिन मास क्या रिलीज करते हैं बेटा हिस्टामिन रिलीज करते हैं अब ये हिस्टामिन जो है ये जाकर एक्ट करता है ब्लड कैपिलरीज पे। मान लो कि ये जो है एक ब्लड कैपिलरी थी दिस वॉज द ब्लड कैपिलरी ये जब हिस्टामिन इस ब्लड कैपिलरी के ऊपर जाकर एक्ट करता है ब्लड एक्ट किया तो जो एंडोथिलियम था जो एंडोथिलियम था बेटा एंडोथीलियम के जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेसिंग क्रिएट करता है तो बेसिकली हिस्टामिन जो है इट एक्ट एज वेजोडाइलेटर ये क्या करता है जो कैपुलरीज है उनकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो हिस्टामिन स्टामिन इनक्रीजेस ब्लड कैपिलरी परमिएबिलिटी जिसे हम क्या कहते हैं इट कॉज इज दोडाइलेशन इट कॉज इज वेजो डायलेशन क्या कर दिया इसने विजो डायलेशन कर दिया जैसे ही इसने ब्लड कैपिलरी की को इंक्रीज किया तो हमारे ब्लड के, के अंदर क्या प्रेजेंट थे बेटा डब्ल्यू थे मान लो कि ये थे ठीक है ये जो है बाय अमीब मूवमेंट बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे ये आ गए बाहर ठीक है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डायापिडाइसिस हो गई यहां पर क्या हो रही है दिस इज दया दा डायासिस हुई ये जो आपके डब्ल्यू मोनोसाइट्स थे बेसिकली, ये निकले बाहर, जैसे ही ये बाहर निकले इन्होंने क्या किया इस बैक्टीरिया के ऊपर जाके एक्ट किया और फेगोसाइटोसिस शुरू कर दी समझ आई है बात इतनी बात क्लियर है बेटा ठीक है डायापिडाइसिस के थ्रू जो है ये क्या निकले आपके बाहर निकले मोनोसाइट्स बाहर आए डब्ल्यू बाहर आए ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो बेसिकली बाहर आए और उन्हें डायबिट इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि जब डब्ल्यू जो हैं ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं क्यों आते हैं कैसे आते in हैं तो ये सारा का जो टिश्यू फ्लू है साथ में फ्लू भी बाहर निकलेगा, तो निकलेगा उसके साथ में क्या, होंगी, जो इसकी क्या करेगी तो अल्टीमेटली इनफ्लामेशन एक क्या प्रोसेस हुई एक ऐसी प्रोसेस हुई जिसके थ्रू जो ये बैक्टीरिया अंदर आया इसको मारने की कोशिश की गई देखा डायपिडाज के थ्रू ल्यूकोसाइट्स बाहर आए और इन्होंने बैक्टीरिया जो है उसको मारने की कोशिश की सो so, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं विजोडेशन इंक्रीज हुई तो वेस्क्यूलर फ्लूइड कम्स आउट एलोंग विद सीरम प्रोटीन ठीक है, वेस्कुलर फ्लूड है जो बाहर आ गया एलोंग विद द सीरम फ्लूड और ये सीरम फ्लूड या सीरम प्रोटीन क्या करते हैं दे जस्ट किल द बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा ये दे किल बैक्टीरिया

मार देते हैं ठीक है तो ये आई होप ये सबको क्लियर हो गया अब इसी से रिलेटेड है आपका फीवर जब इंफ्लामेशन होती है तो साथ में आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं फीवर एक्सपीरियंस करते हैं फीवर एक्सपीरियंस करते हैं मान लो कि बेटा ये पैथोजन था ठीक है यहां डब्ल्यू है इन दोनों के बीच में होती है इंट्रैक्शन ठीक है तो जो पैथोजन है ये रिलीज करता है टॉक्सिन और जो डब्ल्यू हैं दे रिलीज इंटरल्यूकिन वन आई का मतलब क्या होता है इंटरल्यूकिन वन रिलीज करते हैं अब ये जो दोनों हैं ये जो टॉक्सिन है और साथ में ये जो है दे एक्ट एज पायरोजन एक्टेस पायरोजन पायरोजन मतलब क्या होता है जो वो ऐसे एजेंट जो करते हैं फीवर फीवर कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको बोला जाता है पायरोजन सो वट इज पायरोजन पायरोजन इज द फीवर कॉजिंग एजेंट्स पायरोजन क्या है दे आर द फीवर कॉजिंग एजेंट्स अब ये पायरोजन जो है ये जाकर एक्ट करता है किसके ऊपर बेटा हाइपोथैलेमस के ऊपर हाइपोथैलेमस का अगर आपको याद हो तो दे एक्ट एज द हाइपोथैलेमस जो है दे एक्ट एज ये हमारी बॉडी के को मेंटेन करके रखता है बट ये पायरोजन जाता है और हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है और हाइपोथैलेमस को कहता है कि चलो तुम एक काम करो अभी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दो हल्का सा इंक्रीज करवाओ ठीक है तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है इट इंक्रीजिस दी बॉडी टेम्परेचर जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये बात समझ नहीं है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में एंटर किया है बैक्टीरिया एंटर किया है वो क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर आयरन को इन सब को यूज़ करता है और अपना ग्रोथ करवाता है बट जब जब भी आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है इंक्रीज करता है तो आपकी बॉडी में जो फ्री आयरन वगैरह है ये सब जो है उल्टा जाकर स्टोर कर जाता है लीवर में ठीक है, स्टोर कर जाता है हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है ठीक है अगर उनको जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, बैक्टीरिया को नहीं मिल पाएंगे तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी सो so, अल्टीमेटली क्या हुआ आपको बस इतनी बात याद रखनी है जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है सो इट सप्रेसिस दी इट सप्रेसिस दी बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सप्रेस द बैक्टीरियल ग्रोथ जो बैक्टीरिया का की जो ग्रोथ है उसको क्या करता है बेटा सप्रेस करता है बट एक और चीज़ अब टेम्परेचर की एक लिमिट है हमारी बॉडी जो है एक लिमिट तक ही टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हाई टेम्परेचर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया मतलब 100 डिग्री तक तो आपकी बॉडी फिर भी मेंटेन कर सकते है, बट अगर उससे ज़्यादा हो गया है तब इट मे प्रूफ डेंजरस हाई टेम्परेचर जो है इट मे प्रूव डेंजरस तो इसको कम कैसे किया जाएगा तब हम इंसान को क्या देते हैं पेशेंट को क्या देते हैं एंटीपायरेटिक्स देते हैं सो हाई टेम्परेचर इज ब्रोट डाउन बाय गिविंग एंटी पायरेटिक्स बाई गिविंग एंटीपायरेटिक्स लाइक पैरासीटामोल सबको पता है कि घर में जब भी किसी को फीवर होता है तो उसको क्या बोला जाता है कि पैरासीटामोल ले लो सो so, तो जैसे ही आपका फीवर बेसिकली क्या है ये आपका एक डिफेंस मकैनिज्म है बट वो एक लिमिट तक ही है एक लिमिट तक आपकी बॉडी जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है उसके बाद जो है वो नहीं कर सकती है ठीक है और जैसे जब ज्यादा फीवर इंक्रीज होता है तब क्या होता है हमें उन्हें क्या देनी पड़ती है बेटा एंटीपायरेटिक्स देनी पड़ती है तो फीवर ने क्या किया जब भी कोई पैथोजन अंदर आएगा तो उन दोनों में इंट्रैक्शन होगी पैथोजन तो खुद के टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं उस पैथोजन की वजह से डब्ल्यू भी क्या हो गए एक्टिव हो गए तो डब्ल्यू ने क्या रिलीज कर दिया इंटरल्यूकिन वन इन ये दोनों क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर दे एक्ट एज द पायरोजन पायरोजन मतलब फीवर कॉजिंग एजेंट दे आर द फीवर कॉजिंग एजेंट और ये एक्ट करते हैं जाके हाइपोथैलेमस के पास आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं इंक्रीज टेम्परेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती है ठीक है बेटा इतनी बात क्लियर है तो ये हो गए आपके सारे सेल्युलर बैरियर नेक्स्ट जो आपका रहता है सबसे लास्ट जो फोर्थ नंबर पे है दैट इज द साइटोकाइन बैरियर चार बैरियर थे ना फिजिकल कर लिया फिजियोलॉजिकल कर लिया सेलुलर कर लिया एंड द लास्ट वन इज द साइटो इन बैरियर्स जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं इंटरफिर के बारे में इंटरफिर जिनको हम बोल देते हैं आई एन एफ ठीक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटरफिरोन्स के बारे में दैट इज आई एन एफ तो इंटरफिरोन्स जो है बेसिकली दे आर रिलीज बाई द क्या होते हैं बेसिकली आर देर दे आर द लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन जो है बेटा क्या दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन विच आर रिलीज बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ठीक है cells, जो कौन रिलीज करता है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो रिलीज रिलीज करते हैं रिलीज सिंथेसाइज्ड बाय they are released by the virus infected cells कौन रिलीज करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करते हैं अब इनका काम क्या है दे बेसिकली प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स क्या करते हैं बेटा दे जस्ट प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन फ्रॉम अब ये कैसे होता है चलो इसको देखते हैं इसका मैकेनिज्म आखिर होता कैसे है देखो मान लो कि ये आपका एक सेल था ये आपकी बॉडी के अंदर बॉडी का एक कोई भी सेल है ठीक है सेल के अंदर ये है इसका न्यूक्लियस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है भाई डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है हमारा डीएनए इस टाइप से डीएनए प्रेजेंट है अब इस न्यूक्लियस को इन्फेक्ट कर दिया है एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया एक वायरस ने तो इस वायरस का जो है डीएनए अंदर आएगा और वो इंटेग्रेट कर जाता है होस्ट के डीएनए पे इतनी बात क्लियर है वायरस का जो डीएनए है वो हम हमारे सेल के अंदर आता है और हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके साथ इंटीग्रेट कर जाता है ठीक है तो दिस इज दिस इज द वायरस इंफेक्टेड सेल ये कैसा सेल है दिस इज दिस इज वायरस इंफेक्टेड सेल कैसा सेल है बेटा वायरस इंफेक्टेड सेल है वायरस इंफेक्टेड सेल के साथ क्या हुआ ये हो गया अब यहां का जो ये वायरस इंफेक्टेड सेल है ये क्या करवाता है इट रिलीज इज क्या करवाता है ये इंटरफियर रिलीज करवाता है मान लो कि ये है वो इंटरफियरस अब ये इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं बेटा ये जाकर जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है बॉडी का यहां पर इन in इंटरफ्योंस के लिए क्या है रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ठीक है ये यह जाता है जो नॉन इनफेक्टेड सेल है ये वाला कैसा सेल है इट इज द नॉन इनफेक्टेड सेल नॉन सेल ठीक है नॉन इनफेक्टेड सेल के ऊपर जाता है और इस सेल को क्या कहता है इस सेल के डीएनए को कहा यहां से ये अंदर आता है इस सेल के डीएनए को इंफॉर्मेशन देता है कि भाई बाहर तो वायरस का इंफेक्शन हो गया है तुम अपने आप को बचाओ कैसे बचाओगे तो जो ये आपका जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है ये रिलीज करता है उस वायरस से बचने के लिए कुछ टाइप डिफरेंट टाइप के प्रोटीन जिसे हम कहते हैं एंटर एंटी वायरल प्रोटीन रिलीज इज एंटी वायरल प्रोटीन जिसको हम क्या कहते हैं एवीपी एंटीवायरल प्रोटीन और मेनली जो प्रोटीन ये रिलीज करता है दैट इज टी आई पी दैट इज टी आई पी दैट इज ट्रांसलेशन इनिबिटिंग प्रोटीन क्या रिलीज करता है बेटा मेन जो ये प्रोटीन ये जो एवीपी रिलीज करता है दैट इज टी आई पी ट्रांसलेशन इनिबिटिंग प्रोटीन ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन इनहिबिट इनिबिट दी ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन समझ आई है बात समझ आई बात बेटा

क्या था एक वायरस का आपकी बॉडी पर अटैक हुआ वायरस के जो वायरस जो था उसने आपके बॉडी सेल्स को आ, इन्फेक्ट किया जैसे ही इन्फेक्ट किया उसने क्या कर दिया उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है हमारे डीएनए के साथ आगे हमारे सेल को पता चल गया अब खुद तो कुछ कर नहीं सकता बट एक काम करता है ये कहता है अरे मैं तो मर गया हूँ बट मैं अपने दोस्तों को बचाता हूँ तो ये क्या रिलीज़ करता है इंटरफिर रिलीज करता है क्या रिलीज़ करा बेटा इसने इंटरफिर यह इंटरफिर जो है इसका अपने दोस्तों को बचाने का एक तरीका है मैसेज देने का तरीका का है ये इंटरफियर जाता है उन सेल्स के पास जो अभी इंफेक्ट नहीं हुए हैं नॉन इंफेक्टेड सेल के पास जाता है उसके डीएनए को कहता है बेटा बाहर वायरस का इंफेक्शन हो गया खुद को बचाओ तो ये जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है ये क्या रिलीज करता है इट रिलीजेज द एवीपीज दैट इज एंटीवायरल प्रोटीन मेनली कौन सा एंटीवायरल प्रोटीन रिलीज करता है टीआईपी दैट इज ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि अब इस वाले सेल के पास वायरस का अटैक हुआ वायरस का अटैक हुआ लेकिन अब क्या करेगा जो वायरस ने इसके पास अंदर जाके डीएनए के पास ट्रांसलेशन करवानी थी ना वो हमारे हमारे डीएनए पे ही जाके एक्ट करता है हमारे ऊपर कब्जा करता है और अपने हिसाब से ट्रांसलेशन करवाता है लेकिन अब इस सेल को तो पहले से पता था कि वो वायरस आने वाला है इसने अपने डीएनए को ऐसे प्रिपेयर कर लिया कि अब ये ट्रांसलेशन करेगा ही नहीं तो हमने क्या लिखा इट द ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन ये वायरस को मारता नहीं है बट वायरस का ट्रांसलेशन नहीं होने देगा मतलब वायरस की प्रोजनी को ही आगे नहीं बढ़ने देगा वायरस डिवाइड ही नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे एक बार तो आप बीमार हो गए बट धीरे धीरे क्या होगा ये इंटरफियरेंस की अमाउंट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपके सारे सेल्स जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे और वायरल इन्फेक्शन अल्टीमेटली सबसाइड कर जाएगा खत्म कर जाएगा तभी आपको कहा जाता है जब आपको कॉमन कोल्ड होता है हमने किया था कॉमन कोल्ड का कॉजिंग बैक्टीरिया या पैथोजन कौन सा था बेटा सॉरी बैक्टीरिया नहीं पैथोजन जो है वो कौन सा था दैट वाज द राइनो वायरस याद है राइनोवायरस और आपको पता होगा घर में क्या कहा जाता है अरे यार कोल्ड हो गया अब तो ये चार पांच दिन लेगा ही लेगा तुम कहीं जाके चार पांच दिन में ही अपने आप ठीक हो जाओगे चाहे तुम मेडिसिन ना लो फिर भी तुम ठीक हो जाओगे क्यों भाई क्योंकि ये इंटरफिरोस रिलीज होने शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने लग जाती है है ना ये हमारी बॉडी का क्या है दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आर बॉडी हमारी बॉडी के पास मैकेनिज्म है खुद को प्रोटेक्ट करने का ठीक है अंटिल एंड अनलेस कि ये जो वायरस है ये हमसे भी ज्यादा ताकतवर ना हो जाए ठीक है इतनी बात क्लियर है इंटरफेरॉन्स का कांसेप्ट क्लियर हुआ बेटा ठीक है सो so आप क्या कह सकते हो कि जो इंटरफेरॉन्स होते हैं दे नेवर किल द वायरस ये कभी भी वायरस को किल नहीं करते देवर किल द वायरस ये जस्ट क्या करते हैं वायरस की ट्रांसलेशन नहीं होने देते ओनली इन ओनली ओनली इनिबिट दी इनिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स ओनली इनिबिट दी ट्रांसलेशन ऑफ द वायरल प्रोटीन ये सिर्फ वायरल प्रोटीन के ट्रांसलेशन uh, को इनिबिट करते हैं और ये जो इंटरफिरो थ्री टाइप्स के होते हैं ठीक है इंटरफिरो जो है दे आर ऑफ थ्री टाइप्स याद रख लो बस जरूरी तो वैसे नहीं है अल्फा इंटरफियर पीटा इंटरफियरस एंड द गा इंटरफियर अब इनका नाम ऐसे क्यों दिया गया है नॉर्मली जो है हम अल्फा इंटरफिरोन को यूज़ करते हैं अगर आपको पता हो ये जो इंटरफिरोन्स है इसको हम कैंसर थेरेपी के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं जो आपकी ये कोविड जो वैक्सीन आई थी या जो उसकी जो मेडिसन्स बनी है मेडिसन्स बनी है बेसिकली उनके अंदर भी आप इंटरफिरोन का ही यूज़ कर रहे हो और कैंसर थेरेपी के अंदर कैंसर सेल को मारने के लिए इंटरफिरोन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ठीक है तो इंटरफिरोन इज बेसिकली न्यू टेक्निक यहाँ से काफ़ी कुछ अच्छा बनने को मिल सकता है ठीक है सो बीटा गामा इंटरफिरोन हो गया तो हमने बेटा आज कंप्लीट कर लिया है अपना इनेट इम्यूनिटी का मैकेनिज्म। इनेट इम्यूनिटी में हमने पढ़ा फिजिकल बैरियर्स स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, याद आ रहा है फिजियोलॉजिकल के अंदर हमने पढ़ना है जितना भी एसिड है सलाइवा है टीयर्स है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर जो है एसिडिक पीएच है वो मेंटेन रहता है दैट कम्स अंडर द फिजियोलॉजिकल फिर हमने किया है सेल्युलर बैरियर जिसमें हमने किया पीएम एनल दैट इज न्यूट्रोफिल अच्छे से उसका मैकेनिज्म किया है ठीक है फिर हमने किया बेटा मोनोसाइट्स मैक्रोफेजिज नेचुरल किलर सेल्स फीवर इंफ्लामेशन सब अच्छे से कर लिया लास्ट जो फोर्थ नंबर पे बैरियर था हमारा वो था साइटोकाइन बैरियर जिसके अंदर होते हैं आपके इंटरफीरोस जो कि क्या है लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन है विच आर रिलीज बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोटेक्ट द अदर नॉन इंफेक्टेड सेल्स कैसे हुआ मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ठीक है आई होप आज के लिए इतना है ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में वहां मैं आपको बताऊंगी वट इज द फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स वट इज़ द सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी कैसे बनी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है कौन से कौन से टाइप की एंटीबॉडी होती है कौन से सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडी को बनाने वाले हैं वो हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस और रही बात इसके आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी जो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो कर लेना बट उस प्रैक्टिस शीट के अंदर इम्यूनिटी के सारे क्वेश्चन है क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो एक एग्जाम्पल यहाँ से है वहाँ से है तो हम बीच में नहीं करेंगे इस जब इम्यूनिटी एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगी ठीक है प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी ओके बेटा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय